दोस्तों, अभी अभी आपने जो क्लिप देखी है अब समझ ही गए होंगे कि मैं किस शख्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों, ये दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है, सारी दुनिया के प्रेसिडेंट इनसे खौफ खाते हैं, और जो पहले रशिया की स्पाई एजेंसी में KGB जो रशिया की स्पाई एजेंसी थी उनमें वो बहुत ही जबरदस्त स्पाई एजेंट थे, बहुत ही ताकतवर इंसान की मैं आज बात करने वाली हूँ, जो पिछले 22 सालों से रशिया के ऊपर राज कर रहे हैं, जो अभी भी रशिया के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, व्लादिमीर पुतिन की ये इनकी शख्सियत बहुत ही अनोखी है। तो आज हम इनके बारे में बात आई टू प्रेसिडेंट तक का जो इनका सफर है, उनकी पूरी लाइफ की जो कहानी है, तो आज मैं आपके सामने पूरी रखने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए और चलिए देखते हैं उनकी पूरी कहानी। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन, इनका जन्म होता है 7 अक्टूबर 1952 में लेनिनग्रैंड, जिसका अभी नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, जो रशिया के एक सोवियत परिवार में इनका जन्म होता है। इनका जन्म जो है वो दो भाइयों की मौत के बाद होता है, जिनका नाम था विक्टर और अल्बर्ट, जो कि मिड ऑफ 1930 के आसपास इन दोनों का जन्म होता है। और इनके जो माताजी थे वो फैक्ट्री वर्कर थे, वो बहुत ही काइंड हार्टेड लेडी थे, उन्होंने बहुत अच्छी परवरिश पुतिन को दी थी। और इनके जो पिताजी थे वो कॉन्स्क्रिप्ट थे, मतलब कुछ साल आपको देश के लिए देने होते हैं, ये रूल होता है वहाँ पर। तो इन्होंने अपने कुछ साल आर्मी में दिए, कुछ साल नेवी में दिए। तो पहले इनको नेवी में भेजा जाता है, देन इनको आर्मी में शिफ्ट किया जाता है। पुतिन की जो फैमिली थी वो काफ़ी गरीब थी, उन्होंने बचपन से ही काफ़ी गरीबी देखी हुई थी। इनका जो परिवार था बस एक रूम में रहता था। एक सितंबर 1960 से क्या होता है कि पुतिन जो है वो स्कूल जाने लगते हैं। बचपन से ही वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, वो अपना फर्स्ट रैंक कभी नहीं छोड़ते होते हैं। एट द एज ऑफ 12 उनको जूडो की प्रैक्टिस भी वो करने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको इस सब में स्पोर्ट्स में काफ़ी कुछ चीज़ें पसंद होती है, तो वो जूडो में ब्लैक बेल्ट भी वो हासिल कर लेते हैं। जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होता है तब उनको एक रूम का अपार्टमेंट जो होता है वहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। तो उन्हें लगता है कि वाह, ये लाइफ तो बहुत अच्छी है। जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं फिर उन्हें काफ़ी बातें समझ में आने लगती है। बचपन से ही वो उनको जो स्पाई है, जासूसी है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो हमेशा से उनकी विश होती है कि वो KGB के एजेंट बने, और वो आपको सबको पता ही है कि वो बन जाते हैं बाद में। दोस्तों, जब वो 16 साल के हो जाते हैं तो वो सीधा KGB के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन ऑफिसर्स को बोलते हैं कि मुझे जासूस बनना है। फिर ऑफिसर उन्हें देखता है, फिर बोलता है कि थोड़े टाइम के बाद आओ, अपना लॉ ग्रेजुएशन ख़त्म करो। फिर अपना वो लॉ में ग्रेजुएट हो जाते हैं। फिर अपनी पूरी डिग्री होने के बाद KGB के ऑफिस पहुंच जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि पुतिन जो है वो इसी यूनिवर्सिटी सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में जाते थे, और वो सीधा सीधा बाद में KGB हेडक्वार्टर चले जाते हैं। वहाँ पे वो जो मॉस्को में जो KGB का नंबर 1 स्कूल होता है वहाँ से वो अपनी ट्रेनिंग ले लेते हैं, और फिर वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद वो बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से KGB के स्पाई एजेंट बन जाते। तो फिर दोस्तों यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है और उनको यहाँ पे एज अ स्पाई जर्मनी भेजा जाता है। तो उस टाइम क्या होता है कि जो जर्मनी होता है वो दो इसमें डिवाइड रहता है, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। तो हमें इनकी स्टोरी, इनके बारे में जानने के लिए ये बर्लिन वॉल जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो व्लादिमीर पुतिन जो होते हैं उनका ट्रेनिंग अब ख़त्म हो जाता है और उनको एज अ स्पाई जर्मन भेजा जाता है। तो उस टाइम जर्मन ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी ऐसे में डिवाइड रहता है। तो ईस्ट जर्मनी जो होता है वो USSR कम्युनिस्ट के अंडर रहता है, और वेस्ट जर्मनी जो रहता है वो डेमोक्रेटिक UK USA फ्रांस, इनका पावर डोमिनेंस वहाँ पे चलता है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना घटती है, जो बर्लिन वॉल जो रहती है इनके बीच में, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच में, तो वो ढा दी जाती है, वो कोलैप्स हो जाती है। 1961 से लेकर 1989 तक ये जो वॉल खड़ी रहती है, 3 दशकों तक ये वॉल रहती है, वो ढह जाती है। तो इस जर्मनी जो है वो काफ़ी डोमिनेट करता है लोगों को, लोग वहाँ पे खुश नहीं रहते उस इस जर्मनी में,
तो हमेशा वो भागने की कोशिश करते हैं वेस्ट जर्मनी में, क्योंकि वहां पे बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं रहता है, और वेस्ट जर्मनी में वेस्टर्न पावर का डोमिनेंस रहता है, लोगों को बहुत ज्यादा आजादी रहती है और लोग पैसा भी अच्छा कमा लेते हैं। यहाँ पे लोगों के पास इतनी आजादी नहीं रहती है, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इस जर्मनी हमेशा भागते हैं। तो फिर वहां पे वॉल खड़ी कर दी जाती है, तो वो होती है बर्लिन वॉल। तो वही ढहा दी जाती है, वो 3 दशकों तक जो वॉल रहती है वही लोग खुद ही ढहा देते हैं उसे। तो क्या होता है कि उस टाइम में हमेशा ईस्ट एंड वेस्ट का कोल्ड वॉर चलते रहता है। तो उस टाइम क्या होता है कि जो पूरा वर्ल्ड होता है वो एलपीजी वहाँ पे रिफॉर्म चलता है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, जो पूरे वर्ल्ड वाइड चलते रहता है। तो हर किसी को कैपिटल, पैसा चाहिए होता है, तो पैसा चाहिए होता है तो अपनी इकोनॉमी को खोलो। जो मिखेल गुर्बचेव जो थे सोवियत यूनियन के आखिरी प्रेसिडेंट होते हैं, उनका कहना होता है कि हमें अपनी इकोनॉमी को खोल देना चाहिए। तो इसका जो असर होता है वो काफी खुले विचारों के रहते हैं। इतने अच्छे प्रेसिडेंट शायद तब तक इतने खुले विचार वाले प्रेसिडेंट यूएसएसआर सोवियत के पास नहीं रहते हैं। उनके पास जैसे 15 से 16 देश के ऊपर उनका कब्जा रहता है, तो उसमें जर्मनी भी रहता है, ईस्टर्न जर्मनी। ठीक है, तो ईस्टर्न जर्मनी के ऊपर भी ये लागू हो जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि अपनी इकोनॉमी को खोलो। तो ईस्टर्न जर्मनी जो सोवियत के अंडर आता है, फिर वो फ्री इलेक्शन लड़ो, क्योंकि वो इतने ज्यादा खुले विचार, इतना ज्यादा वो फ्रीडम दे देते हैं कि लोग वो जो जो बर्लिन वॉल जो होती है वही कोलैप्स कर देते हैं। तो इतना भयंकर असर उनका बर्लिन वॉल के ऊपर होता है। तो दोस्तों देखिए कि लोग किस तरह से ये वॉल, जो बर्लिन वॉल है, उसे गिरा रहे हैं और अपना फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, तो वो जो है कि क्या लोग, सारे लोग केजीबी ऑफिस को घेर लेते हैं, और केजीबी ऑफिस के अंदर होते हैं ब्लामिदिर पुतिन, और ब्लामिदिर पुतिन जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट, सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट जलाते रहते हैं। पुतिन उस टाइम भी काफ़ी बैलेंस रहते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट वो जला देते हैं, फिर उस मॉब के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उन सबका सामना करते हैं और कहते हैं, अगर तुम लोग अंदर आओगे तो अंदर में मेरे सारे बंदूकधारी गार्ड्स है वो तुम सबको भून देंगे, अगर बेहतर यही है कि तुम सब लोग वापस चले जाओ। देखिए, एक इंसान अकेला है और उन सबको वो धमकाता है, और वो उसमें सफल भी हो जाता है, और ये उनकी ट्रिक जो है वो काम कर जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बर्लिन वॉल ढह जाती है, बट इसका रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा खराब असर होता है, क्योंकि जस्ट 2 साल के बाद सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मीन्स सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि सोवियत यूनियन क्या था। 15 कंट्रीज का ये ब्लॉक था, उनको सोशलिस्ट ब्लॉक भी था। तो ये सारे कंट्रीज मिलके क्या होता है, सोवियत यूनियन बनता था। तो मिखेल गुर्बेचेव जो थे उन्होंने एक पॉलिसी लाई थी, और बर्लिन वॉल भी ढह गई थी। तो लोग बोलने लगे थे कि ओनली रशिया के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, रशिया ही सबसे मेन है उनके लिए, मतलब बाकी कंट्रीज भूखे मरे तो मरे, हम आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। लोग रिजोल्यूशन चाहते थे, डेमोक्रेसी चाहते थे, और लोग पैसा भी चाहते थे। तो मिखेल गुर्बचेव जो थे उन्होंने 1999 में वो रशिया के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो उन्होंने क्या किया, जो बाकी 15 ब्लॉक्स थे उनके लिए एक प्रस्ताव पारित किया। वो ये था कि सोवियत यूनियन फिर डिसइंटीग्रेट हो गया। तो प्रस्ताव ये था कि सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर है वो टुकड़ों में बट जाएगा, मतलब वो उनका हिस्सा नहीं रहेगा, बाकी कंट्रीज अभी फ्री है। तो ये प्रस्ताव लाते हैं, तो उससे क्या होता है कि इस डिसइंटीग्रेट होने से ब्लामिदिर पुतिन जो है उनको बहुत बड़ा गहरा झटका लगता है।
जब वो ईस्ट जर्मनी से वो घर वापस अपने रशिया आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो हमेशा यही सोचते हैं कि कैसे मैं इस सोवियत यूनियन को फिर से यूनाइट करूं, क्योंकि रशिया काफ़ी सारे सालों से सोवियत यूनियन में यूनाइट रहता है और एकदम से वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो उस टाइम क्या होता है कि रशिया में बहुत ज़्यादा पावर्टी बढ़ जाती है, और जब डिसइंटीग्रेट रशिया हो जाता है तो सत्ता मिलती है जो आप देख रहे हैं इनको, जो है बोरिस येल्सिन। वो काफ़ी पागल आदमी थे, आप देख रहे हैं वो किस तरह अपना हाथ हिला रहे हैं, नाच रहे हैं, और उनको अपनी कंट्री की कोई भी ज़रा भी फिक्र नहीं होती है। कहीं पे नाच रहे हैं, कहीं पे गा रहे हैं, कुछ पागलों जैसी हरकतें वो करते थे। और रशिया को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब नीचे लाके रख दिया था, जितना रशिया ऊपर था उतना ही नीचे आ गया था। और मेन तो अब ये देखिए देखिए किस तरह से डांस कर रहे हैं ये ऐसे प्रेसिडेंट जो रशिया के थे, गॉड। तो मेन तो ये बहुत ज़्यादा करप्ट थे, रशिया को उन्होंने सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है, और वह एक इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने, तो रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद कंट्री हो जाती है। और यहाँ पर जो कुछ लोग हैं यहाँ पे रूल कर रहे होते हैं, जो भी माफिया लोग हैं ना यहाँ पे, तो वो रूल कर रहे होते हैं, तो जो भी प्रोजेक्ट आते हैं वो उन्हीं के पास जाते हैं। ओनली माफिया यहाँ पे रूल करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा करप्शन यहाँ पे बढ़ने लगता है, रशिया एकदम नीचे चला जाता है, लोग बहुत बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ पे करप्शन और पावर्टी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोगों के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते हैं, इतने लोग तरस जाते हैं खाने के लिए कि बहुत ही ज़्यादा। तो इस ऐसी हालत रशिया की उस टाइम हो जाती है, पावर्टी बहुत बढ़ जाती है। फिर यहाँ पर एंट्री होती है व्लादिमीर पुतिन की, जो क्या करते हैं धीरे धीरे अपने पॉलिटिक्स में आना स्टार्ट शुरू कर देते हैं। मई 1998 में जो है पुतिन डेप्यूटी चीफ ऑफ प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑफिस, उसमें वो डेप्यूटी चीफ बन जाते हैं। फिर उसी जुलाई में 1998 में वो डायरेक्टर बन जाते हैं सिक्योरिटी सर्विस में, फिर वो सेक्रेटरी भी बन जाते हैं रशियन फेडरेशन। तो आखिरकार व्लादिमीर पुतिन जो है उनके लिए बहुत बड़ा दिन आ ही जाता है। अगस्त 1999 में पुतिन जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। यहाँ पर जो बोरिस येल्सिन जो है उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा करप्ट होते हैं और उनकी पूरी करप्शन जो है वो अकेले तो वो नहीं करते, तो पूरी सरकार जो है वो मिली जुली होती है, तो इसलिए वो इतना करप्शन कर पाते हैं। तो उनकी पूरी करप्शन को छुपाना बहुत ज़रूरी होता है, उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है, नहीं तो पूरे भेद खुल जाएंगे। तो फिर बोरिस येल्सिन जो है तो वो क्या करते हैं, एक समझौता करते हैं अपनी करप्शन को छुपाने के लिए। तो उस समझौते में ये होता है कि पुतिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और तुम मुझे गिरफ्तार नहीं करोगे, तुम प्राइम मिनिस्टर बनो पर तुम मुझे गिरफ्तार नहीं करोगे। तो ये समझौता पुतिन और येल्सिन के बीच में होता है, और ये समझौते के ऊपर जो बोरिस है वो साइन करते हैं। और फिर आखिरकार व्लादिमीर पुतिन जो है उनके लिए बहुत बड़ा दिन साबित होता है, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर सेरेमनी जो होती है उसमें आप देख पाएंगे कि जो बोरिस येल्सिन है उनका चेहरा काफ़ी उतरा हुआ है, बहुत ही छोटा चेहरा उनका हो जाता है, बहुत ही बड़ा पद वो अपने करप्शन के लिए छोड़ देते हैं, नहीं तो वो सारे लोग कोई दूसरा अगर बन जाता पुतिन की जगह तो ये सारे लोग जेल के अंदर होते, काफ़ी पता नहीं उनके साथ क्या क्या होता। तो बोरिस येल्सिन जो है उनको एक लॉयल आदमी चाहिए था जो पुतिन के रूप में उनको मिल जाता है, तो वो उसे चुन लेते हैं। और फिर क्या होता है कि फाइनली 2000 में पुतिन जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, उनकी प्रेसिडेंट सेरेमनी होती है।
तो सेरेमनी जब चलती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, उनका अपोज करते हैं, अपोज होना लाजमी है, तो उन सबको गायब किया जाता है दोस्तों, उन सबको गायब किया जाता है। साइड के जो कैफे में होते हैं कुछ लोग, वो भी अपोज करते हैं, तो उनको मारा पीटा जाता है, उनको शूट किया जाता है। तो ये आने वाले समय की शुरुआत थी कि पुतिन अपनी सत्ता को कैसे चलाने वाले हैं। तो ये सबको दिख जाता है कि नहीं भैया, ये तो अलग ही है कुछ, ये इस तरह से चलाने वाले हैं। अब भी बोला जाता है कि पर्दे के पीछे वो सिर्फ अपनी ही चलाते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनकी ही चलती है, जो पुतिन बोलेंगे वही होता है। अब ये क्या सच है क्या नहीं, वो पुतिन ही जाने। और एक फोटो जर्नलिस्ट थी, वो उन्होंने क्या कर किया, जांच करने की कोशिश की पुतिन की, तो उनको भी मौत के घाट उतार दिया। तो ऐसे ये पुतिन है जो अपनी ही चलाते हैं, अपनी ही बातें मनवाते हैं, और जो इनके अपोज करता है उनको मौत के घाट उनको उतार दिया जाता है। 1992 से अभी तक के 2024 तक के जो है वो पुतिन ही वहां पे प्रेसिडेंट, व्लादिमीर पुतिन ही प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। जो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ है, तो पुतिन का जो सपना था कि उसको यूनाइट करना, तो उन्होंने तभी से सोच लिया था कि मैं उसे यूनाइट करूंगा। तो यहाँ पर पुतिन ने काफी सारे ट्रिक्स अपना के आज यूक्रेन और चेचन्या हासिल भी कर लिया है, तो अपना एम्पायर उन्होंने राइज कर लिया फ्रेंड्स। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे वो अपनी सत्ता को चलाने वाले हैं और कैसे वो अभी भी राज कर रहे हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने बहुत समय देके मेरा वीडियो देखा और आई होप आपको अच्छा लगा।